एडवर्सली अफेक्टिंग फार्मर्स इन दीज कंट्रीज़ और काफ़ी जो मतलब काफ़ी सारी फार्मर्स जो हैं वो बुरी तरह से प्रभावित होते हैं इन कंट्रीज़ में जहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी मतलब डेवलप नहीं है या उसका परसेंटेज या उसका शेयर जो है वो नहीं है जी डी पी एम्प्लॉयमेंट में डेवलपिंग कंट्रीज़ आर देयर फॉर आस्किंग द डेवलप कंट्रीज गंट्स तो वी हैव रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स एज पर डब्ल्यू टी ओ रूल्स बट यू हैव इग्नोर द रूल्स ऑफ डब्ल्यू टी ओ एंड हैव कंटिन्यू टू पे योर फार्मर्स वास्ट सर्म्स ऑफ मनी मतलब कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो क्या कहते हैं डेवलप कंट्रीज की गवर्नमेंट को कि हम जो है क्या करेंगे ट्रेड बैरियर्स को कम कर देंगे अकॉर्डिंग टू यू डब्ल्यू रूल्स लेकिन आपको भी इग्नोर करना होगा डब्ल्यू रूल्स को और जो अपने फार्मर्स हैं उनको मनी या उनको जो भी मतलब प्रोविजंस वगैरह हैं वो देने होंगे यू हैव आस्ट आर गोवर्मेंट टू स्टॉप सपोर्टिंग आर फार्मर्स बट यू आर डूइंग सो यूर सेल्फ इज दिस फ्री एंड फेयर ट्रेड मतलब उसमें बोला गया कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है अब जैसे से मैंने आपको पहले ट्रेड बैरियर्स के बारे में बताया था कि ट्रेड बैरियर्स वही होता है जब हम चाहते हैं कि अगर फॉरेन ट्रेड ज़्यादा हो जाए तो हम टैक्स रिमूव कर देते हैं और अगर हम चाहते हैं फॉरेन ट्रेड कम हो जाए तो हम टैक्स लगा देते हैं ताकि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो हमारी कंट्रीज़ की मार्केट में अपना जो एक मतलब उनका जो एरिया है उसको वो कम कर सकें ओके तो इसमें यही पूछा गया कि इज़ दिस फ्री एंड फेयर ट्रेड मतलब जो जिसमें जो है टैक्स वगैरह ना हो या जो बैरियर्स वगैरह हटा दिए जाएँ क्या ये फ्री होगा या फिर फेयर ट्रेड होगा क्लियर उसके बाद जो है यहाँ पर आपको नेक्स्ट टॉपिक जो दिया हुआ है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पेक्ट है क्या प्रभाव पड़ता है वो बताया गया है इन द लास्ट ट्वेंटी ईयर्स ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनोमी हैज़ कम अ लॉन्ग वे मतलब लास्ट ट्वेंटी ईयर से जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक रैपिडली जो है बढ़ रहा है बट हैज़ बीन इट्स इफ़ेक्ट ऑन द लिवस ऑफ पीपल लोगों की जिंदगी पर लाइव पर के जो है क्या इफेक्ट पड़ता है ग्लोबलाइजेशन का लेटेस्ट लुक एट सम ऑफ द एविडेंस अब जो है आगे आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैज बीन ऑफ एडवांटेज टू कंज्यूमर्स पर्टिकुलरली द वेल ऑफ सेक्शंस इन द अर्बन एरियाज इसमें बोला गया कि जो ग्लोबलाइजेशन है या फिर जो ग्रेट कंपटीशन है प्रोड्यूसर्स के बीच में चाहे वो लोकल हैं या फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैं उनको एडवांटेजेस मतलब इसमें जो एडवांटेजेस हैं कंज्यूमर्स को भी हैं और प्रोड्यूसर्स को भी हैं आगे आपको बताया जाएगा कैसे हैं पर्टिकुलरली द वेल ऑफ सेक्शंस इन द अर्बन एरियाज़ देर इज़ ग्रेटर चॉइस बिफोर दिज कंज़्यूमर्स हु नाउ एन्जॉय इम्प्रूव क्वालिटी एंड लोअर प्राइस ऑफ सेवरल प्रोडक्ट्स अब कंज़्यूमर को ग्लोबलाइजेशन के जैसे जो प्रॉफिट्स हैं वो कैसे हैं कि कंज्यूमर के सामने काफ़ी सारी चॉइसेस जा आ जाती हैं जैसे कि मार्केट में एक अगर हम लोकल मार्केट की बात करें तो लोकल मार्केट में जो प्रोड्यूसर है वो सिर्फ अपने ही प्रोडक्ट्स को शो करेगा बट अगर उसी मार्केट में फॉरेन ट्रेड हो जाए और फॉरेन मार्केट से जो भी चीज़ें हैं वो अगर आनी शुरू हो जाएँ तो हमारे पास क्वालिटी भी अच्छी आ जाएगी और चॉइसज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे एज अ रिज़ल्ट दीज पीपल टूडे एन्जॉय मच हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग देन वॉज़ पॉसिबल अर्लियर और इसी का रिजल्ट ग्लोबलाइजेशन का ही ये रिज़ल्ट है कि जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं एन्जॉय कर रहे हैं हायर स्टैंड स्टैंड ऑफ लिविंग को उनका जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हाई हो चुका है जैसे पहले था उसके कंपैरिजन में अमंग प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स में जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पेक्ट है वो यूनिफॉर्म नहीं है मीन्स एक जैसा नहीं है फर्स्टली एम एनसीज हैव इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया ओवर द पास्ट ट्वेंटी ईयर्स विच मीन्स इन्वेस्टिंग इन इंडिया हैज़ बिन बेनिफिशियल फॉर दैम एम एनसीज मल्टी नेशनल कंपनीज जो हैं उन्होंने क्या किया था इंडिया में जो लास्ट ट्वेंटी टी हैं बीस साल से उन अपनी जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में बढ़ा दी थी इसका मतलब है उनको बेनिफिट हो रहा था Beneficial ही था ना उनके लिए तभी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे हम वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ हमारा प्रोफिट ज़्यादा होता है जहाँ हमें पता है कि हमारी कॉस्ट कम होगी प्रोफिट ज़्यादा होगा एम एनसीज हैव बिन इंटरेस्टेड इन इंडस्ट्रीज एज सच एज सेल फोन ऑटोमोबाइल्स इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड फास्ट फूड और सर्विसेज सच ज बैंकिंग इन अर्बन एरियाज मतलब एमएनसी जो हैं इन सभी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करती हैं दीज प्रोडक्ट है लार्ज नंबर ऑफ वेलर्स इन दीज इंडस्ट्रीज एंड सर्विस न्यू जॉब्स मतलब ये जो प्रोडक्ट्स हैं अब एम को लगता है कि इन प्रोडक्ट्स के काफी सारे बायर्स होते हैं वो इन्हें जो है काफी अच्छे से सेल कर सकते हैं चाहे इंडस्ट्रीज और सर्विसेज की अगर हम बात करें तो इनमें जो है न्यू जॉब्स भी बनाई जा सकती हैं ऑल्सो लोकल कंपनी सप्लाइंग रो मटीरियल्स एटसेट्रा टू दीज इंडस्ट्रीज है also, प्रोस्पर मतलब जो लोकल कंपनीज़ हैं वो भी सप्लाई करती हैं क्या रो मटेरियल्स किसको को एम को क्योंकि इन इंडस्ट्रीज में जो है काफ़ी ये प्रोस्पर हो रही हैं समृद्ध हो रही हैं या काफ़ी इनका जो डेवलपमेंट है वो हो रही है Secondly, several of the top Indian companies have been able to benefit from the increased competition. They have invested in newer technology and production methods and raised their production standard. मतलब second आपको first तो क्या बोला गया था जो MNCs एन हैं वो इंक्रीज कर रही थी इन्वेस्टमेंट इंडिया में और सेकेंडली बोला गया कि काफ़ी सारी जो टॉप इंडियन कंपनीज हैं वो क्या बेनिफिट ले रही हैं कॉम्पिटिशन से ओके okay, जो वो क्या कर रही हैं वो इन्वेस्ट कर रही हैं न्यू टेक्नोलॉजी में एंड न्यू प्रोडक्शन मेथड्स में ताकि जो उनका प्रोडक्शन स्टैंडर्ड है वो रेज हो सके बढ़ सके सम हैव गेन फ्रॉम सक्सेसफुल कोलाब्रेशन विद फॉरेन कंपनीज और कुछ जो कंपनीज हैं इंडियन कंपनीज वो क्या करती हैं फॉरेन कंपनीज के साथ कोलाब्रेशन कर लेती हैं कोलाब्रेशन का मतलब होता है मिल जाती हैं मर्ज हो जाती हैं मोर मोरवर ग्लोबलाइजेशन हैज़ अनेबल सम लार्ज इंडियन कंपनीज टू अमर्ज एज मल्टी नेशनल टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल इन्फोसिस ये आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं मल्टी के जो इंडियन कंपनीज हैं काफ़ी हाई लेवल मतलब डेवलप हो चुकी हैं टाटा मोटर्स हैं इन्फोसिस है रनबैक्सी है एशियन पेंट्स एंड सुंदरम फास्टनर्स हैं नट्स एंड बॉल्स आर सम इंडियन कंपनीज विच आर स्प्रीडिंग स्प्रेडिंग दियर ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड ये कुछ इंडियन कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने जो ऑपरेशन हैं अपने जो फंक्शन मतलब काम है वो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कर लिए हैं फैला लिए हैं ग्लोबलाइजेशन हेज़ ऑल्सो क्रिएटेड न्यू ऑपरचुनिटीज़ फॉर कंपनीज़ प्रोवाइडिंग सर्विसिज़ पर्टिकुलरली दोज इन्वोल्विंग आई टी जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या करता है क्रिएट करता है न्यू अपॉरचुनिटीज़ को किसके लिए कंपनीज के लिए क्या प्रोवाइड करवाता है सर्विसज प्रोवाइड करवाता है जिसमें आई टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी इन्वोल्व किया गया है द इंडियन कंपनी प्रड्यूसिंग अ मैगजीन फॉर द लंडन बेस्ड कंपनी एंड कॉल सेंटर्स आर सम एग्जाम्पल्स जो इंडियन कंपनी है वो प्रोड्यूस कर रही है मैगजीन किसके लिए लंडन बेस्ड कंपनी के लिए और कोल सेंटर भी इसका एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है बिसाइड्स अ होस्ट ऑफ सर्विसेज सच एज डाटा एंड डाटा एंट्री अकाउंटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क इंजीनियरिंग आर नाउ बीइंग डन चीपली इन कंट्रीज सच एज इंडिया एंड आर एक्सपोर्टेड टू द डेवलप कंट्रीज ये भी आपको क्या किया गया एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे कि होस्ट ऑफ सर्विसेज डाटा एंट्री है या अकाउंटिंग है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है ये चीप चीपली मतलब सस्ते रेट पर किया जाता है इंडिया में एंड एक्सपोर्ट भी किया जाता है डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्लियर तो आज आपने क्या करना है इस लेसन को इतना रीड करना है जिसमें हमने टू टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर किए हैं सबसे पहले हमने रीड किया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसको हम डब्ल्यू टी ओ भी बोलते हैं डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस पर हमने जो है रीडिंग की थी उसके बाद जो इम्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव है वो हमने रीड किया तो आपने इस लेसन को इतना रीड करना है और अच्छे से समझना है ओके बेटा हैव अ नाइस डे